आंखों की कम रोशनी लेकिन लक्ष्य तक सटीक नजर। वो कहते हैं ना, हौसले बुलंद हो तो शारीरिक विकलांगता भी आड़े नहीं आती। ऐसी ही आज की कहानी है पूजा कदम की, जिन्होंने केवल 15% आंखों की रोशनी होने के बावजूद साल 2020 के यूपीएससी के टॉपर्स के लिस्ट में अपनी जगह बना ली। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और केवल आपकी फरमाइश पर जानेंगे कि उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट और उन्होंने कौन सा मीडियम ऑप्ट किया था। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। महाराष्ट्र के लातूर जिले की 30 वर्षीय पूजा कदम उन 761 लोगों में शामिल है जिन्होंने शुक्रवार को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 को पास किया। औसा तहसील के टगा गांव के रहने वाले कदम ने महज 15% नजर से परीक्षा में 577 रैंक हासिल की। आपको बता दें कि यह उनका दूसरा प्रयास था। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 पिछले साल 4 अक्टूबर को आयोजित करवाई गई थी। यूपीएससी के एक बयान में कहा गया है कि परीक्षा के लिए 10,40,060 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से केवल 4 लाख समथिंग परीक्षा में ही शामिल हुए थे। जनवरी 2021 में हुई लिखित यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 10,564 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया और उनमें से 2,053 ने व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें से 761 को आखिरकार चुना गया। इंजीनियरिंग के छात्र शुभम कुमार, एक IIT बॉम्बे ग्रेजुएशन और जागृति अवस्थी, जिन्होंने मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MANIT भोपाल से BTEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा किया, ने क्रमशः पहला और दूसरा रैंक हासिल किया था। हमने जितने भी टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज बनाई हैं या आपको बताई हैं, अगर आप उन सभी के मीडियम और साथ ही साथ उनके बुक लिस्ट और आंसर पेपर्स को देखना चाहते हैं कि वह किस तरह से अपने आंसर्स को लिखते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन्हें न केवल देख सकते हैं बल्कि आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप भी यूपीएससी की परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो आपको वह आंसर शीट्स जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल ओवर यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। उम्मीद करते अगर आप इन सभी किताबों को खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट पर मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।